कोरोना आप अपने पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर की चीज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, व्हाट इज एक्टिविटी डायग्राम एंड को एक्टिविटी का डायग्राम ये डेवलप। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम होता क्या है। एक्टिव डायग्राम इज अनदर इंपॉर्टेंट फिगर डायग्राम टू डिस्क्राइब डायग्राम इज एसेंशियल इन एडवांस पर्सनल फ्लो चार्ट एंड मॉडलिंग फ्लो फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। होता है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरी एक्टिविटीज़ को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है उसके लिए। तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको शो करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम यूज किए जाते हैं। तो देखिए एक्टिविटी डायग्राम इज का हाउ एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड टू प्रोवाइड अ सर्विस व्हिच कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। Typically, an event need to be achieved by some operation, particularly where the operation is intended to achieve a number of different things that require coordination. Or how the events say in a single use case relate to one another. Okay. In particular use cases where activities may overlap and require coordination. तो कहने का मतलब ये है कि activity एक दूसरे से कैसे coordinate करती है, क्योंकि एक activity करने के लिए दूसरी activity करना हो सकता है, तो उस कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे उसको शो करने के लिए क्या बनाया जाता है, एक्टिविटी डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मानो कि एक अपन एक ये जैसे ये स्टेप्स हैं, तो इस पर कैसे बनाते हैं एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्री कंडीशंस होती है। ठीक है, और ये क्या है एक्टिविटीज हैं जो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, जो कॉर्नर से राउंड है वो क्या है एक्टिविटीज हैं। ठीक है, एक ये देखिए जैसे एक्टिविटीज आपने एक्टिविटी वन स्टार्ट की, तो उसके बाद स्टेप टू जो भी दूसरी एक्टिविटी है, तो मान लो उस पर जाने के लिए दो कंडीशन हो सकती है। तो ये क्या होता है डिसीजन होता है, अगर ये यस है तो आप एक्टिविटी टू पे आ सकते हो, अदरवाइज क्या होगा सिंपल आप उस एक्टिविटी को क्रॉस कर सकते। तो ये चीज़ जो है मान लो अगर यस है तो इसका जो आउटपुट आएगा, अगर नो है तो जो भी आउटपुट आता है, तो ये क्या होता है यहाँ पर मर्ज होता है, और मर्ज होने के बाद जाएगा स्टेप थ्री आगे जो भी। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये है फ्लो, या ये जो लाइंस हैं दैट इज एरो लाइंस, दीज आर कॉल्ड फ्लो। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है किसका प्रोसेस ऑर्डर का। तो इसमें होगा क्या, जो भी ऑर्डर रिसीव होता है उसमें दो एक्टिविटीज हो सकती है, एक तो ऑर्डर फिल करें और दूसरा बिलिंग जो एक्टिविटी है वो हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर फिल करने में भी दो एक्टिविटी हो सकती है, क्या हो सकता है कि ऑर्डर रेगुलर डिलीवरी की तरह डिलीवर किया जाए, या फिर उसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए, या ओवरनाइट डिलीवरी का जो भी स्पेशल अरेंजमेंट है वो किया। ठीक है, तो फॉर तो इसका जो एक्टिविटी डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा आपने, और ये जो स्टार्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग हुई जो कि प्री रिक्वेस्ट थी वो हुई, इसी ऑर्डर को रिसीव किया, उसके बाद ये फिल्ड किया, यानी आपके पास दो एक्टिविटीज होंगी इसके बाद, एक फिल ऑर्डर और दूसरा इनवॉइस सेंड करना। ठीक है, तो अगर फिल ऑर्डर है तो उसके बाद आपके पास दो डिसीजन हो सकते हैं कि आपके पास डिलीवरी रेगुलर अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं ओवरनाइट डिलीवरी। अगर ज़्यादा ऑर्डर है तो आप ओवरनाइट डिलीवरी को अरेंज करिए, अदरवाइज क्या करिए रेगुलर डिलीवरी करिए। तो ये यहाँ पर आके दोनों चीज़ें क्या होंगी, मर्ज होंगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जैसे कंप्लीट होती है दूसरी एक्टिविटी साथ में चलती जाती है, तो ये क्या है पैरेलल एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपने इनवॉइस को सेंड किया कस्टमर को, उसने आपको पेमेंट किया, आपने पेमेंट रिसीव किया, उसके बाद होगा क्या, जब ये दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो ये दोनों आकर यहाँ मर्ज होंगी और आपका क्या होगा फाइनल ऑर्डर डिलीवर उसको हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है, तो जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ स्टार यूएमएल। ठीक है, तो जैसे ये मैंने स्टार यूएमएल में बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पर, आपने जैसे ही स्टार यूएमएल ओपन करेंगे तो आपका जाना है मॉडल में, वहाँ ऐड डायग्राम, तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी डायग्राम चूज कर। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ सब फंक्शन आ जाएंगे जो कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी बनाया हुआ, तो आप देखो क्या है ये एक्शन आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो भी आप करते हैं वो किस में आएगी एक्शन में आएगी, एक्शन टाइप में। इनिशियल मतलब ये रिक्वेस्ट जो आप स्टार्ट करते हैं, फाइनल मतलब जहाँ एंड हो गई एक्टिविटी। ठीक है, फोक मतलब जहाँ पर वो दो एक्टिविटीज, यानी एक एक्टिविटी जब भी स्टार्ट होती है तो उसके बाद दो एक्टिविटी स्प्लिट होती हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उसके लिए फोक चूज करेंगे। ज्वाइन का मतलब क्या है, ज्वाइन का मतलब ये है कि आप दो एक्टिविटीज
जब एक साथ कंबाइन होके आ रही है तो एक एक्टिविटी में जाके इंसर्ट होगी, दैट इज जॉइन और मर्ज। ठीक है, इस तरह से। और ये कंट्रोल फ्लो क्या है, जो आप ये एरो देख रहे हैं कि यहाँ से कंट्रोल किस तरफ जाएगा, फ्लो दैट इज कंट्रोल। तो आप देखिए, सबसे पहले आपने ऑर्डर को रिसीव किया, ठीक है, उसके बाद आपने बात दो एक्टिविटी, दैट इज सेंड इनवॉइस और दूसरी है फिल आउट। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप दोनों जो एक्टिविटीज हैं वो पैरेलल चलती जाएंगी, जैसे ही फिल ऑर्डर पे आप देखोगे तो आपके पास दो एक्टिविटी होंगी, या तो आप दो डिसीजन होंगे आपके पास, या तो हम ओवरनाइट डिलीवरी करें अगर ऑर्डर ज़्यादा है, या फिर रेगुलर डिलीवरी करें। तो दोनों में जो भी होगा एक तरीके से आपको डिलीवरी होगी, तो यहाँ आकर दोनों क्या होगी, ज्वाइन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, जैसे ही ये वाली एक्टिविटीज कम्प्लीट होगी, सेंड इनवॉइस और रिसीव पेमेंट वाली, आपने इनवॉइस सेंड किया, पेमेंट रिसीव हुआ, तो ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर आके आपके होंगे फाइनल डिसीजन। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी आपके ऑलरेडी गिवन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।